जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, काफी रिजल्ट की वीडियो हमने अपलोड किए हैं और आज भी मैं एक रिजल्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आज हमारे साथ है अजय जी, जिनकी 6-7 मंथ हो चुके हैं जिनकी सर्जरी हुई। ठीक है, तो आज हमारे साथ अजय जी, हमारे जी से जानना चाहेंगे कि कैसे पहले थे, मतलब कब से इनका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर कैसा फील करते थे और कैसे इन्होंने ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा। तो अजय जी आप बताएं, कैसा फील करते थे आप जब आपकी हेयर फॉल हो रहा था, उसके बाद फिर आपने कैसे सोचा? मेरा हेयर फॉल 3-4 साल से हो रहा था, तो 3-4 साल से होने से पहले सामने का जितना बाल था मेरा सब गिर गया था सामने जी। तो उसमें बहुत मेडिसिन लिया, बहुत कुछ लिया, बहुत प्रिपरेशन लिया, बट उसका कुछ एंड नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे 3-4 साल बिताने के बाद मैंने सोचा हेयर ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचा, लेकिन ये एक बड़ा स्टेप है इसलिए मैंने सर्च किया, इसके बारे में रिसर्च किया थोड़ा। तो मेरे को कोई कोई सजेस्ट नहीं किया मेरे को क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यूट्यूब में कई सारे वीडियो देखे। कई सारे वीडियो में मैंने आपका भी वीडियो देखा था, मैंने आपका वीडियो देखने के बाद आपका रिजल्ट देखा, उनके बाद मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आपके पास आया था कराने के लिए। ठीक है, तो कराने के बाद मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, कराने का 6-7 महीना के बाद इतना अच्छा रिजल्ट देख के आप तो समझ ही सकते हो। तो जब जैसे कि मैं बताया, जैसे मैंने बताया कि कई सालों से इनका हेयर फॉल हो रहा था और हेयर फॉल होने की वजह से इन्होंने ट्रीटमेंट भी कुछ लिया बट इनको इतना रिजल्ट नहीं मिला, उसका इन्होंने सर्च किया यूट्यूब वगैरह में। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में तो आपने देखा ही काफी हेयर ट्रांसप्लांट के अपने एड वगैरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर इन्होंने देखा हमारा और हमारे पास आए, हमने इन्हें बताया कि कैसे सर्जरी होगी। ठीक है, ये सर्जरी के टाइम में आए और सर्जरी के टाइम में आप थोड़ा टेंस वगैरह थे? हाँ, मैं सर्जरी के पहले मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ पेन पेन होगा या लगेगा, बट ले जब मेरा सर्जरी हुआ था मेरे को समझ नहीं आया मेरा सर्जरी हुआ है। तो आप कंफर्टेबल थे सर्जरी से? ऑब्वियसली कंफर्टेबल था मैं, तो मैं सोच नहीं रहा था मेरा सर्जरी हो रहा था। राइट राइट, तो ये काफी कंफर्टेबल थे अजय जी। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको किस एरिया में, हमने फ्रंट एरिया में इनका जो हेयर लॉस है फ्रंटल एरिया में हुआ था, और आप मेरे ख्याल से वीडियो में देख सकते हैं, क्लोजर व्यू दिखाइए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है कि हमने ट्रांसप्लांट कहाँ किया है, एकदम नेचुरल लुक है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने किस एरिया में किया है, थोड़ा और क्लोजर आइए, थोड़ा आप बताएंगे। देखिए ये है आप इनका ट्रांसप्लांटेड एरिया, एकदम नेचुरल, आप बता भी नहीं सकते, आप पहचान भी नहीं सकते कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है। आप देख सकते डेंसिटी भी कितनी अच्छी है, एकदम नेचुरल लुक लग रहा है ना, आप देख सकते हैं क्लियरली, है ना, एकदम नेचुरल हेयर है ये। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे अजय जी से कि अजय जी आप बताइए कि आप कितना सेटिस्फाइड है इससे, रिजल्ट से? मैं तो पहले मैं अपना रिजल्ट देखने के बाद नहीं, जब तक मैं अपना रिजल्ट नहीं देखता मैं कोई को सजेस्ट नहीं किया। मैंने 4-5 महीने अपना रिजल्ट लाके देखा, मैं तो बहुत कोई पूछे थे आप कहाँ से कराए, मैंने कोई को सजेस्ट नहीं किया जी जी। लेकिन मैं अपना रिजल्ट देखने के बाद अभी हम सबको सजेस्ट करता हूँ, मैं आप जाइए यहाँ से कराइए, आप भी जानते हैं मेरी बात, तो मैं तो 100% सेटिस्फाई हूँ आपके पास चला के। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर जो काम हुआ, आपका जो सर्जरी हुई, आपका रिजल्ट आया, आपको यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का स्टाफ का व्यवहार, डॉक्टर्स कैसे, मतलब आपको क्या बोलना चाहेंगे इनके बारे में? यहाँ का स्टाफ और क्लाइमेट मेरे को तो बोलने ही नहीं है, बहुत अच्छा है, समझ ही नहीं आया मैं यहाँ मेरा ऑपरेशन कराने के लिए आया था, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ ये समझ ही नहीं हो रहा। सब फ्रेंडली थे, आप भी थे, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि देखा आपने रिजल्ट भी काफी अच्छा है, अजय जी का 7-8 मंथ हो चुके हैं और सेटिस्फाई भी है, काफी सेटिस्फाई है अजय जी, और ये सजेस्ट भी करेंगे कि हमारे व्यूवर्स को कि आप ये सर्जरी कराए और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्जरी में, जैसे मैंने बताया आपको रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। ठीक है, और काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, आप कट भी कर सकते हैं, एकदम नेचुरल लुक है, आप देख सकते हैं, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया है इन्होंने। ठीक है, और बस इतना ही बोलना चाहूंगा आज की बात में, मेरे को भी बोलना है, अगर कोई जिम कर रहा है या जिम करने वाला है या जिम से प्रोफेशनल है, वो सोचता है अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जिम नहीं कर सकता या जिम करने से बाल उग जाते, ये गलत बात है। मैं एक खुद ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, डाइट ले रहा हूँ, सब ले रहा हूँ, स्टेरॉइड ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो आपका परमानेंट बाल रह जाते हैं, कभी कोई रिटर्न नहीं है।
तो जैसे कि देखा अजय जी ने मुझे बीच में रोक के जैसे बताया, उन्होंने खुद ही बताया कि ये खुद एक जिम के ट्रेनर है, और हमने काफी जो जिम के जो ट्रेनर्स है उनकी भी मैंने काफी सर्जरी की। तो आपने जैसे कि अजय जी ने बताया जैसे कि सर्जरी के बाद में भी आप जिम वगैरह कर सकते हैं, इससे हेयर फॉल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हेयर फॉल नहीं होगा, आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है वो परमानेंट होते हैं, वो फिर से गिरेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ कोई हार्मोनल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जैसे आपके नॉर्मल जैसे पहले लाइफ स्पेंड करते थे वैसे आप सर्जरी के बाद भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो नेचुरल हेयर वो नेचुरल जैसे ही रहेंगे, फिर से कभी फॉल नहीं होगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही बोलना चाहूंगा आपको, और कोई भी आपके डाउट्स होंगे, कोई कमेंट होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे, तो आप ऑफकोर्स हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। Thanks for watching my this video. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all notification automatically. Thank you.